दोस्तों जय हो करम की, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। दोस्तों अभी मैं बनास नदी में खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये बनास नदी का नज़ारा है और साथ में ब्रिज भी देख पा रहे होंगे। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ब्रिज है जो कि सवाई माधोपुर से और गंगापुर की ओर जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं और काफ़ी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, मेरे साथी भी हैं उनसे हम लोग काफ़ी बात करेंगे। आज बात करेंगे हम भावनाओं की, दिल की, कि दिल के रिश्ते और भावनाओं के रिश्ते किस तरह के होते हैं। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहें। कुछ देर पहले केपी सिंह ने से आपकी बात हुई, वो बात कर रहे थे भावनाओं की। भावनाएं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। और रिश्तों में भावनाओं की कदर ना हो तो रिश्ते ना तो ईमानदार होते हैं ना लंबे समय तक टिक पाते हैं। मैंने देखा है केपी सिंह जी के कुछ सिद्धांत हैं और वो अपने सिद्धांतों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। जैसे उनको कोई टाइम उन्होंने बोल दिया कि मेरे को इतने बजे आना है, तो वो कुछ भी काम हो सब छोड़ के उस टाइम पे वहाँ मौजूद रहेंगे और आपको जब भी ज़रूरत होगी वो हमेशा मौजूद रहते हैं। तो भावनाओं से निभाए गए रिश्ते लंबे टाइम तक चलते हैं। और जिन रिश्तों में अगर भावनाएँ नहीं है या किसी को यूज करने की भावना है तो वो रिश्ते बहुत कम टाइम के लिए निपटते हैं। केपी सिंह जी के रिश्ते किसी से भी भावनाओं से बनते हैं और वो हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं। वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और सारे रिश्ते वो दिल से निभाते हैं। मैं इनके साथ बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि इनके सिद्धांत और इनका जो स्पष्ट रूप से किसी बात को कहने का तरीका, मतलब वो अपने में और पढ़ाई में भेद नहीं करते। अगर सही है तो उस बात को सही कहते हैं और गलत है तो उस बात को गलत कहते हैं। तो ये क्वालिटी आज कम से कम हजारों में से कुछ दो चार आदमियों के अंदर ही होती है, हर आदमी के अंदर नहीं होती। सब आज के लोग सब अपना बेनिफिट अपना फ़ायदा देखते हैं और उस हिसाब से अपनी बातों को चेंज कर लेते हैं, अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं कि ये अपना है ये पराया है, पर उनका ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी बात को सुनते हैं समझते हैं और जो सही है वही सलाह वो देते हैं या वही वो बोलते हैं। केपी सिंह जी एक इस तरह के इंसान हैं कि वो अपना परिवार हो या दूसरा परिवार, वो सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं और स्पष्ट कहने का तरीका रखते हैं। उनके रिश्ते माँ हो, भाई हो, बहन हो या फिर किसी दूसरे के रिश्ते हो जो दोस्ती में हो या कुछ हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो वो स्पष्ट रूप से बिना भेदभाव किए उसको गलत कहने की क्षमता रखते हैं। वो अपने घर वालों को स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो उनके साथ नहीं है, अगर वो सही कर रहे हैं तो उनके साथ है, और अगर उनका दुश्मन भी अगर सही कर रहे हैं तो वो उसका भी साथ देते हैं, और अपना घर वाला अगर गलत कर रहा है तो वो उसके खिलाफ बोलते हैं। ये उनकी इससे उनका स्पष्टवादी होना आज के टाइम पर ऐसे लोग मैं बहुत लोगों से मिला हूँ पर बहुत कम लोग ऐसे मिल पाते हैं। और मैंने केपी सिंह जी को जानता हूँ जो इतना स्पष्ट बोलते हैं। केपी सिंह जी के बारे में बहुत लोगों से मैंने चर्चाएं की है, रिसर्च की है, पर केपी सिंह जी से चर्चाओं से निकल गया है कि वो एक सीधी जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ना उस तरह के इंसान हैं। और उनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई है उससे कई लोग बिल्कुल टूट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, पर वो आज तक बिल्कुल नहीं टूटे। उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई है और वो एक नए इंसान के रूप में उभर कर सामने आए दोबारा। दोस्तों अभी जैसे बात हो रही थी भावनाओं की, अगर भावना नहीं है तो रिश्तों में कदर भी नहीं होती। कहीं ना कहीं रिश्ते भावनाओं के साथ बंधे हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। लोग मानते हैं या नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ। और साथ में एक चीज़ और मुझे लगती है, रिश्ते दिखावे के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूपी रिश्ते होने चाहिए। कहीं ना कहीं लोग बाग ये कहते हैं कि केपी जी आप जैसा व्यक्ति नहीं है, और मैं कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए कि मुझ जैसा व्यक्ति नहीं मिले। अगर मैं हूँ तो मैं सिंगल हूँ, कोई मेरे साथ नहीं हो। साथ में अगर आप में क्षमता नहीं है सही की और गलत कहने की, तो आपका मानव होने पर धिक्कार है। ये मेरा सोचना है, मेरा नज़रिया है। आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता आप लोग क्या सोचते हैं, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि सही को बोलोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में संतुष्ट होगे। दुनिया को खुश रखने की कोशिश करोगे तो दुनिया को कभी खुश नहीं रख सकते। मैं अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर भी डालता हूँ और वो सत्यता डालता हूँ, जो व्यक्ति अपनी बात को कहने से डरता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी शेयर करता हूँ कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक दिखावा है, लेकिन अगर आदमी के अंदर सुकून है तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से
जी सकता है। लोग बाग पैसों के नज़र से जीवन को देखते हैं, लाइफ को देखते हैं, रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं पैसों से। अगर पैसा है तो रिश्ते हैं, बाकी नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरी नज़र में अगर आपके साथ में ईमानदारी के रिश्ते हैं तो आपकी जीवन है, बाकी नहीं है। मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे मेरे नज़रियों को मैंने चेंज कर लिया, और चेंज भी इतना कर लिया कि माँ बहन भाई लुगाई रिश्तेदारी सब रिश्तेदारों को छोड़कर मैं अपने उस व्यक्तित्व को निखारना चाहता हूँ, उस बारे में सोचना चाहता हूँ जिससे मेरी पहचान मिले। मेरी पहचान इस तरीके है, जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँ मात्र 10 लोग मुझे याद कर लें कि बंदा था कोई। अगर केपी सिंह के सिद्धांत लोगों को याद रहेंगे तो मैं कह रहा हूँ मैं जिंदा हूँ, बाकी मरे समान है, सबको मरे समान है। अगर आदमी स्वार्थ के रिश्ते लेके चलेगा तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, वो एक दिन अंदर ही अंदर पछताएगा, लोगों से कहेगा नहीं। मेरे साथ दोस्तों बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, उसको समय आने पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि किसने मेरे साथ क्या घटना घटित हुई और किसने क्या क्या किया मेरे साथ में, वो सोशल मीडिया पर मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और उन घटिया लोगों के बारे में ज़रूर बताऊँगा जिन्होंने अपनी मानवता को मारते हुए सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, और उस स्वार्थ की वजह से आज लोग, वो लोग ये कहूँगा कि जिंदा तो हैं मगर लोगों के जब बात की जाती है लोग ये कहते हैं कि केपी सिंह जी आपके साथ गलत हुआ था, वो लोग गलत हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग ये कह देते हैं। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैं जो भावनाएं उनको शेयर करता रहूं, लोगों को बताता रहूं। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। केपी सिंह जी ज़िंदगी से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं, उन्हीं पर वीडियो बनाते हैं। और केपी सिंह जी के अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।